लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, अभी फ्रैक्शंस का तुम लोग अपना रेफर करो डायग्राम. पेज नंबर मैंने बोला था 32. ठीक है, 32 में ये जरा डायग्राम्स देखो. कौन सा वाला लिखना है? फिगर 2.3. फिगर 2.3 में तुम्हें पहले वाले सर्कल में जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है? सर्कल के चार पार्ट्स हुए हैं, है ना, और उसका एक पार्ट शेडेड है. मतलब ये फ्रैक्शन क्या है? 1/4. ऐसे दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल में 1/4 1/4 लिए है. मतलब यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 2 बार 1/4 आया. क्या आया? 2 times 1/4. ओके, सो 2 times 1/4 मतलब 2 multiplied by 1/4. उसका दोनों 1/4 1/4 मिला के कितना होने वाला है? हाफ. ओके, सो 2 times 1/4 is equal to half, है ना. मतलब बेसिकली 2 times 1/4 is equal to, पर वो हाफ ये कैसे आएगा? तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं 2 multiplied by 1/4. इसका मल्टीप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे करते हैं इसको? क्योंकि हर बार पिक्चर्स ड्रॉ करोगे क्या तुम लोग? नहीं. तो कैसे करना है? ये जो 2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर के साथ. सो 2/4 आ जाएगा, लेकिन कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं, दोनों में कॉमन फैक्टर है. सो 2 1 2 2 2 4 क्या आता है? 1/2. इसको हम लोग ऐसे ही क्यों करते हैं, न्यूमरेटर के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि जब हम लोग होल नंबर है, देखो याद है तुम्हें एडिशन में मैंने बताया था, अगर ऐसा है 2, समझो ये 2 plus 1/4 होता है, तो तुम लोग क्या लिखते हैं 2 को? यू वुड हैव रिटन दिस 2 एज 2/1 plus 1/4 कर लेते तुम लोग, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि ये 2 क्या है? होल नंबर है. Any whole number can be represented as that number divided by 1. ठीक है, या वो number multiplied by 1 करके भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्योंकि हम लोग fractions की बात कर रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे represent करते हैं. ठीक है, so think about this. When if you can represent 2 is a whole number, you can represent 2 as 2 multiplied by 1. Sorry, 2 divided by 1. So 2 divided 2 upon 1 multiplied by 1/4. ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं. अब न्यूमरेटर्स दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमेटर्स दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. आंसर क्या होता है? 2 1 2. ओके, फिर हम लोग को कैंसिलेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2 1 2 2 2 4. ओके, या दिस इज वन मेथड. यही पे तुम इसके इंस्टेड ऑफ दिस तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो. कैसे करोगे? 2 1 2 2 2 4. तो क्या आ जाएगा? 1 into 1 is 1 1 into 2 is 2. ऐसे क्रॉस में या ऊपर नीचे ऐसे भी तुम लोग कैंसिलेशंस कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे. ओके, 3/4 कितने बार लेंगे हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 5. यहाँ पे क्या होगा? यू कैन रिप्रेजेंट 5 मतलब 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/1. न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 is 15 एंड 4 1 is 4. यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर बस यही रहेगा. यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है वहाँ पे कैंसिलेशन होता है. अंडरस्टूड? ओके, सो लेट अस लुक एट द एक्सरसाइज. 2.2. ठीक है, अभी ये जो एक्सरसाइज 2.2 देखो, हम लोग डायरेक्टली देखते जाएंगे कि कैसे होता है. इसमें कुछ कुछ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी तुम्हें ध्यान से देख के तुम्हें करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो 2 into 1, एक एक सोचो
टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉइंट फाइव. तो वन अपॉइंट फाइव कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? ए और ए से लेके डी तक के फिगर्स देखो. लुक एट फिगर्स फ्रॉम ए टू डी. अभी यहाँ पे वन फिफ्थ पार्ट कहाँ पे दिख रहा है वो पहले देखो. डी में दिख रहा है, एक सर्कल है, उसके कितने पार्ट्स किए हैं? फाइव पार्ट्स किए, उसमें से शेडेड क्या है? वन. तो यहाँ पे वन फिफ्थ है, और ऐसे कितने वन फिफ्थ है? दो वन फिफ्थ है. मतलब व्हाट इज दिस? दिस रिप्रेजेंट्स टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन फाइव, है ना? ओके, सो योर डी रिप्रेजेंट्स टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन फाइव. अंडरस्टूड? ठीक है. फिर नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? टू मल्टीप्लाइड बाय हाफ. अभी हाफ किधर दिख रहा है तुम्हें? पोर्शन, हाफ वाला फ्रैक्शन कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है क्या? है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी है, समझो एक चॉकलेट है, उसको हाफ किट कैट जैसा दिख रहा है कि नहीं? उसको आधा पोर्शन शेडेड है, दैट इज हाफ. ऐसे कितने दिख रहे हैं? दो हाफ दिख रहे हैं. ओके, सो योर पिक्चर बी इज टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन टू. ठीक है. फिर तीसरा ढूंढते हैं हम लोग. थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू अपॉन थ्री. अभी टू अपॉन थ्री कौन से इसमें है? ए में. वेरी गुड. सो ए में कितना है? टू अपॉन थ्री वाले कितने पोर्शन हैं? तीन बार टू अपॉन थ्री आया है. मतलब थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू अपॉन थ्री. ए इज थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू अपॉन थ्री. वैसे ही थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन फोर्थ. देखो स्क्वायर है, उसका वन फोर्थ पोर्शन शेडेड है. वन आउट ऑफ फोर पोर्शन इज शेडेड. सो एंड ऐसे कितने हैं? तीन बार सेम है. वन फोर्थ तीन बार है. सो थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन फोर्थ इज सी. ओके, अंडरस्टूड? ठीक है. फिर सम पिक्चर्स ए टू सी. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर टू. सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो. वैसे ही करके तुम लोग आंसर्स दोगे मुझे अभी. थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉइंट फाइव इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट फाइव. ओके, कौन से पिक्चर में? सी. वेरी गुड. फिर टू मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉइंट थ्री कहाँ पे आ रहा है? ए में. वेरी गुड आमिश. फिर नेक्स्ट क्या है? थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री अपॉइंट फोर. अभी बी में थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री अपॉइंट फोर मिल रहे हैं, है ना? ठीक है. अभी मल्टीप्लाई, अभी हम लोग तीसरा वाला देखेंगे जो मैथमेटिकली हम लोग उनको सॉल्व करना है. ठीक है, हम लोग देखो कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर थ्री, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इन टू अ मिक्स फ्रैक्शन. अभी क्या बोला है हमें यहाँ पे? एक तो मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके, फिर उसको कैंसिलेशन करके उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है. उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल आउट करने हैं. ओके, और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में. ओके, सो लेट अस सी. सेवन इंटू सो फर्स्ट वन. सो एक्सरसाइज 2.2 में कौन सा क्वेश्चन है अपना? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वन व्हाट इज इट? सेवन मल्टीप्लाइड बाय थ्री अपॉन फाइव. कैसे करोगे अभी तुम लोग? क्या करो अब ये देखो. बाई द वे मैंने इसको कैसे लिखा है? सेवन मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, थोड़ा सा ऊपर थ्री के बराबर ही लिख रहा उसको. ओके, सो इसको तुम्हें हर बार सेवन अपॉन वन दिखाने की जरूरत नहीं है. दैट इज फॉर योर नॉलेज कि दिस सेवन इज नथिंग बट सेवन अपॉन वन. इसको तुम डायरेक्टली, दैट वॉज ओनली फॉर माई एक्सप्लेनेशन, डायरेक्टली न्यूमरेटर कंसिडर दिस इन द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई इट विद 21. ओके, अभी इन सभी में कुछ भी कॉमन आ रहा है कि पहले देखो? नहीं आ रहा है ना. सेवन थ्री फाइव कुछ कॉमन फैक्टर है? कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है. सेवन थ्री इज 21 अपॉन फाइव. अब इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. दैट इज, तो आगे की स्टेप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 21 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 फोर सा 20, और कितना बचेगा? 5. सो दिस विल बिकम 4 1/5. अंडरस्टूड? सो सेकेंड वाला तुम लोग बताओगे मुझे. अनवी यू विल टेल मी द सेकेंड वन, अर्नेश यू विल टेल मी द थर्ड वन. ओके, 4 × 1.3 कैसा, क्या आएगा?
अनवी फोर वन फोर अपॉन थ्री करेक्ट. अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. थ्री वन जा थ्री वेरी गुड. आर्निश नेक्स्ट वन इज फॉर यू. ओके नेक्स्ट वन क्या है? 2 × 6/7 2 × 6/7 इज इक्वल क्या आएगा? 12 हाँ अपॉन 7 वेरी गुड. अब इसको डिवाइड भी करो. 7 7 वन जा सेवन वन जा सेवन कितना बचता है? 5 वेरी गुड. सो क्या आएगा? 5/7 वेरी गुड गुड. तो इसके आगे अच्छा अभी हम लोग क्या देखेंगे, कहीं पे कैंसिलेशन कुछ है क्या वो पहले सोचेंगे. ओके तो फोर्थ वाला तुम लोग होमवर्क करके करोगे. ठीक है फोर्थ फिफ्थ होमवर्क है तुम्हारा. ठीक है सिक्स्थ वाला में सिक्स्थ और सेवन्थ भी तुम्हारा होमवर्क है. मैं तुम्हें एट्थ करके और एक दिखाती हूँ कि कैंसिलेशन में कैसे आता है. और अदरवाइज व्हाट आई डू इज आई डू सिक्स एंड एट और बाकी सारा तुम्हारा उसमें होमवर्क रहेगा. ठीक है सो लेट अस जंप टू सिक्स. अभी सिक्स में क्या है? 5/2 × 6 ओके. अब तुम लोग क्या देखो यहाँ पे देखने के बाद क्या पता चलता है? 2 और 6 में कॉमन है. कॉमन कहाँ पे देखना है हमें? न्यूमरेटर न्यूमरेटर में नहीं देखना है. किसमें देखना है? या तो ऐसे को किसमें कॉमन लेके देखना है या फिर ऐसे क्रॉस में कॉमन लेके देखना है. बेसिकली कैंसिलेशन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ही कैंसिलेशन होगा. ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर में सेम दिख रहा है कैंसिल होगा या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है कैंसिल होगा. ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं उसमें से कैंसिलेशन नहीं होता है. कैंसिलेशन क्या होता है? बेसिकली डिवीजन होता है. हम लोग क्या करते हैं कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं ना. मीन्स वी डिवाइड बाय सम कॉमन फैक्टर उसमें से कॉमन फैक्टर हटा के दूर करते हैं. तो वो सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ही कॉमन फैक्टर निकल सकता है. यू हैव टू रिमेंबर दैट वेल. ओके क्योंकि बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं ऐसे इसमें स्टार्टिंग से. ओके सो कॉमन फैक्टर क्या है? कौन से टेबल में आता है? 2. सो यही पे तुम लोग कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इज बेस्ट. क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, एक तो तुम 30/2 भी लिख सकते हो और फिर उसको डिविजन कर सकते हो. पर ये कैंसिलेशन कौन सा ज़्यादा इजी होने वाला है? यहीं पे इजी होने वाला है. 2 × 1 = 2 × 3. नाउ व्हाट इज इट? दिस इज 15/1 मतलब 15 है ना. अंडरस्टूड? देन वेन लेट्स जंप टू द 8th वन. ओके इसमें भी कॉमन निकलने वाला है. 20/4/5. अब इसमें कॉमन दिख रहा है तुम्हें? इसमें कॉमन है ना 5. 5 के टेबल में 20 आता है तो कैंसिल आउट कर रहा है. 5 × 1 = 5 = 4. फिर क्या बचता है? 4 × 4 = 16/1 मतलब 16. दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड? तो इसके बाकी सारे जो है इस क्वेश्चन में वो तुम लोग घर पे करके तुम लोग करोगे. ठीक है ना. तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इसमें शेडिंग करना है. जो भी बोला है अकॉर्डिंगली शेडिंग करना है. 2/3 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए ऐसे मैंने टेक्स्ट बुक में लिखा है. अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए ऐसा लिखा है ना. तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, ये आईडी देखो कि बॉक्स में कितने सर्कल्स है वो पहले देखो. ठीक है सो मेरा फोर्थ का फर्स्ट वाला जो है सो 2/3 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए ऐसा है. तो बॉक्स ए में कितने सर्कल्स है? 12 सर्कल्स है. सो व्हेन वी से अ फ्रैक्शन ऑफ समथिंग ऑफ अ होल नंबर फ्रैक्शन ऑफ समथिंग ऑफ एनी नंबर इज वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर. तो यहाँ पे 12 सर्कल से उसका 2/3 निकालना है. सो 2/3 × 12 ऐसे आएगा. इसको कैलकुलेट करो तो क्या आता है?
और देखो अभी कैंसलेशन 3 और 12 में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इट इज अ कॉमन फैक्टर, 3 के टेबल में 12 आता है. सो कैसे कैंसिल होगा, 3 1 3 4 2 4 कितना है 8. कितने सर्कल शेड करने पड़ेंगे, 8. ये मेरे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, हाफ. अभी ये हम लोग इनफैक्ट कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी वो लॉजिक से ही बताएं, हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ 12 इज 6, पर करके दिखाना पड़ेगा, है ना. हाफ ऑफ ऑफ को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से. हाफ ऑफ समथिंग को भी कुछ कुछ इसमें क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तुम्हें वर्ड्स में लिखा है ना. हाफ ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, सो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई है. 12 is equal to 2 1 2 6 6 1 6, answer is 6. Okay, अभी देखो यहाँ पे मैंने कैसे शॉर्टकट मारना शुरू किया. पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें न्यू मान नीचे यहाँ पे अपॉन वन करने को बोला था, पर अपॉन वन इज गोइंग टू बी द सेम थिंग राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ. अभी हम लोग थोड़ा सा अपना डेवलप किया, हमने थोड़ा सा लॉजिक से हम लोग ने डायरेक्टली इसमें लिख दिया. ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो. इसमें सेकेंड, 3/5 ऑफ द ट्राइंगल्स इन द बॉक्स, ऐसे मेरे इसमें, तुम्हारे इसमें अंदी क्या है, 2/3 है. सो तुम्हारे इसमें 2/3 कैलकुलेट करेंगे हम. और कितने हैं ट्राइंगल्स बॉक्स के अंदर, 9 ट्राइंगल्स है क्या, है ना, 9 ट्राइंगल्स है. हाँ, तो मेरे इसमें और तुम्हारे इसमें, अभी तुम लोग कैसे करोगे, देखो मेरा आंसर क्या आने वाला है, तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है. अभी 3 1 3 3 2 3 कितना, 6. यू कैन कलर शेड 6 ट्राइंगल्स आउट ऑफ 9, लेकिन मैं कितना, मैं कैसे करूँगी इसको शेड, बता. 3 9 27 आउट ऑफ 5, ऐसे उसको आगे लगाए, 3/5 ऑफ 9. तो तुम्हें ट्राइंगल्स, कंप्लीट ट्राइंगल शेड करने को मिलेंगे क्या, नहीं. मेरे इसमें क्या लिखा है, हाफ ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, तुम्हारे इसमें क्या लिखा है, अंधी 3/5 लिखा है. अब देखते हैं बॉक्स में कितना, 15 है. हाँ, अब क्या आने वाला है इसका, कैंसलेशन होगा क्या, डायरेक्टली नहीं होगा, 15/2. लेकिन इसको अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो तुम्हें क्या आने वाला है, 2 7s are 14, मतलब 7 बॉक्सेस और 8वां बॉक्स तुम हाफ शेडिंग करोगे, ऐसे कर सकते हो. इस केस में क्या आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलेंगे, 5 1s are 5 3s are 3 3s are कितना, 9. सो यू विल हैव टू शेड हाउ मेनी, 9 आउट ऑफ 15 स्क्वायर्स. क्वेश्चन नंबर, इसका हम लोग देखेंगे ए और सी, और बी और डी तुम्हारा होमवर्क रहेगा. ए में हम लोगों को क्या देखना है, हाफ ऑफ 24 एंड हाफ ऑफ 46. तो जहाँ जहाँ ऑफ साइन है वहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है. ओके, सो हाफ ऑफ 24 एंड हाफ ऑफ 46. ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अभी ऑब्वियसली इवन नंबर्स है तो इवन नंबर्स कैन गेट कैंसिल बाय 2, ऑल इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 2. सो 24 डिवाइडेड बाय 2 करना है. यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग कोशिश करो करने की, सी अगर नहीं हुआ तो रफ वर्क में तुम लोग कर सकते हो, डिफिकल्ट लग रहा है तो रफ वर्क में करो. 12, हाँ करेक्ट. सो 12 2s are 24, टेबल में आता है तो याद रहेगा, नहीं तो फिर कैसे करोगे, 2 1s are and 2 2s are क्या आएगा, तो आंसर का 12 1s are 12 है. 46 है, 2 1 2 2s are 4 2 3s are 6, आंसर क्या आएगा, 23. डिफिकल्ट लगेगा, इधर करो रफ वर्क में 46 का ऐसे करो, 2 2s are 4 6 आ गया, 2 3s are 6. लेकिन ये तुम लोग इजी है काफ़ी करना, रफ वर्क एज मच एज पॉसिबल
जब तक बहुत ही जरूरत लगेगी तो करो, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो काफी इजी है, 3/4 ऑफ 16, 4 1s are 4 4s are, और 4 3s are क्या आने वाला है, 12, 4 1s are 4 9s are 36, 9 3s are 27, समझ में आया? ओके, फिर इसके बाद में देखेंगे हम लोग सिक्स वाला। लुक एट योर सिक्स क्वेश्चन, क्या क्या बोला है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो अभी हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, सिक्स वाला ए देखो, हाँ, 3 × 5 1/5 कौन बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, पहला स्टेप? हाँ बोलो, इम्प्रॉपर करना है, वेरी गुड। हाँ क्या करना है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले कन्वर्ट करोगे एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 लिखो पहले, 3 × 5 5 = 25 + 1 = 26/5, हो गया। अब इसको करो मल्टीप्लाई, अभी कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 3 में कैंसिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो और अपॉन 5 फिर दे रहे हो, सो 3 6 का कितना, अभी मैं ओरली कर रही हूँ, देखो तुम लोगों को चाहिए तो ये रफ अप में कर सकते हो, 6 3 6 18 1 3 2 6 1 7 78/5। ओके, सिमिलरली तुम्हें आगे के करने हैं, तो इसमें से और एक मैं दिखाती हूँ, मैं कौन सा वाला दिखाऊँ तुम लोगों को, एफ दिखाओ, ठीक है, बाकी सारे होमवर्क रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। एफ क्या है, 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 8, ओके इज इक्वल टू, अभी इसको कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में, 5 3 15 + 2 17/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू क्या करोगे, 17 × 8 करो, 8 7 56 5 8 1 8 5 13 कितना आता है, 6 1 36/5। अगर तुम्हें 17 का टेबल आता है डायरेक्टली 17 8 जब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 निकालो अपना, तो इसमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी हमने जो होल नंबर्स थे वो हमने एज अ फ्रैक्शन ही कंसिडर किए थे, मतलब जो 2 था सबसे पहले एग्जांपल में 2/1 लिया था, सो हमने होल नंबर को हमने एज अ फ्रैक्शन ही एक्सप्रेस किया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमेटर को डिनोमेटर से मल्टीप्लाई किया, उससे पहले कुछ कैंसिलेशन हो सकते थे तो हमने कर दिए, सो सेम केस तुमने यहाँ पे करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 में से एक मैं कोई भी करके दिखाती हूँ, आगे के तुम लोग एज अ होमवर्क करो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से मैं फर्स्ट का ए दिखाऊंगी, या फिर मैं इसका ए नहीं सी दिखा दूं तो तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। ओके, क्या निकाला है, सी पर 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड में क्या करना है, 4/3। कैसे आएगा ये, अभी यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है तो 4 1s are 4 1s are, जहाँ पे नहीं है डायरेक्टली न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, इस केस में कैंसिलेशन पॉसिबल है, मैंने किया है। ओके, 4 1s are 4 है ना, 4 इज अ कॉमन फैक्टर, सो ऊपर गया 1 × 1 = 1 1 / 1 = 3 अंडरस्टूड, ठीक है। तो सिमिलरली तुम्हें ये भी करना है, तो इसमें से एक और चाहिए तो करके दिखाओगे तुम लोग, करोगे होमवर्क करके करोगे ऐसा होमवर्क, ठीक है। तो अगेन हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैं पहला वाला दिखाती हूँ,
वैसे ही बाकी का करना है। अभी सेकंड वाले केस में देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो एक फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन है, एक इन एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसको लास्ट टाइम की जैसे ही करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो ये क्या बन जाता है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 = 6 + 2 = 8, 8/3 आने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 8 × 2 = 16 एंड 3 × 3 = 9, दैट इज योर आंसर। आगे का तो एकदम सिंपल है, इसी में का डायरेक्टली फ्रैक्शन ही है। ओके मैं एक थर्ड वाला करके दिखा दूँ तुम्हें। 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4। ओके अभी यहाँ पे देयर इज अ कैंसिलेशन पॉसिबल। ओके देखो 2, ये दोनों इवन नंबर्स है तो इवन नंबर्स आर कैंसिल, गिव कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, इसके आगे कुछ नहीं होगा कैंसिलेशन। सो आंसर क्या आएगा, 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 16। गॉट इट? आगे का होमवर्क करोगे तुम लोग? ठीक है। सो नेक्स्ट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस में भी सेम है, बस मिक्स फ्रैक्शंस, एक एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो थर्ड वाला तुम लोग कर पाओगे, पूरा होमवर्क के लिए करना है। ओके थर्ड वाला, थर्ड इज कंप्लीट होमवर्क। ठीक है नेक्स्ट फोर्थ में जाएंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है। ओके तो हमें क्या कर, कंपैरिजन हमने फ्रैक्शंस में कैसे किया था, स्टार्टिंग में कैसे किया था कंपैरिजन, याद है? डिनोमिनेटर्स दो अगर फ्रैक्शंस है कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिनोमिनेटर्स को सेम करो, समझो सेम डिनोमिनेटर्स है तो एक रूल बताया था मैंने, या सेम न्यूमरेटर्स आर सेम तो एक रूल बताया था मैंने, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिनोमिनेटर्स को सेम करो बोला था। लेकिन वो सब करने से पहले यहाँ पे हमें पहले तो निकालना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा 2/7 ऑफ 3/4 का एंड 3/5 ऑफ 5/8 का। तो क्या बोला है, विच इज ग्रेटर पूछा है। ओके सो फर्स्ट वन क्या है, पहले क्या निकालो, 2/7 ऑफ 3/4, ये पहले कैलकुलेशन करके निकालो इसका आंसर क्या आता है। ओके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = क्या हुआ 3/14। ओके एंड नेक्स्ट क्या है, 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 ऑफ 5/8 इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 × 5 कैंसिल, सो 3/8। अभी तुम्हें कंपैरिजन किस चीज में करनी है, 3/14 और 3/8 को कंपेयर करना है। ओके अभी मैं इधर दिखा दूँ, अब इसमें तो इजी है कुछ, क्योंकि न्यूमरेटर सेम आ गया हमारे, जब न्यूमरेटर सेम होता है डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो कौन सा वाला बड़ा होता है, स्मॉलर न्यूमरेटर इज सॉरी स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द बिगर वन। ओके मतलब यहाँ पे अपॉन अपना 3/14 और 3/8, इसमें रिलेशन कैसा है, ये है छोटा ये है बड़ा, तो ऐसा आने वाला है। अंडरस्टूड? सो सेकंड वाला तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है? तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस खत्म हो जाएगा, कल हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।